मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबके संडे स्कूल टीचर आंटी समीना हूँ। खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ जिसने जिंदगी में एक बार फिर हम सबको मौका दिया कि हम सब क्रिसमस की खुशियों को मना सकें। और इस साल क्रिसमस की तमाम तर खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इसाया 7:14 आए, लेकिन खुदावंत अब तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। बच्चों, इस जिंदगी को गुजारते हुए बहुत सारी बातें करने में हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। ऐसे में खुदा का पाक कलाम हमारी मदद करता है कि हम सही और दुरुस्त फैसला कर सकें। आज की कहानी भी इसी बात पर है कि कैसे खुदा के रूह ने, कैसे खुदा ने अपने बंदा की मदद की और वो सही फैसला कर सका। आइए हम कलाम मुकद्दस में से इस कहानी को सीखते हैं। मत्ती की अंजील 1:18-24 तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुदूस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। बच्चों, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बच्चों, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। फिर बच्चों, यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया। और फिर बच्चों, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूर्या के हाकम कुर्नेलियस के अहद में हुई। और फिर बच्चों, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए।
इसी तरह यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में था, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। जो मैंने और आपने अभी कहानी में सीखा कि कैसे यूसुफ की खुदा ने मदद की कि वो सही और दुरुस्त फैसला कर सके। सो आपको जब कभी ऐसी बात आपके सामने हो कि आपको चुनना हो कि क्या करना है, तो फिर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी में कोई फैसला नहीं करना, आपने खुदा से रहनुमाई लेनी है ताकि आप सही और दुरुस्त फैसला कर सकें। दुआ करनी है, कलामे मुकद्दस को पढ़ना है, खुदा के खादमों से पूछना है और खास तौर पर खुदा के पाक रूह से पूछना है। और जब हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, खुदा से मालूम करेंगे, तो फिर कभी भी हम गलत फैसला नहीं करेंगे, हम हमेशा सही और दुरुस्त फैसला करेंगे। तो आइए हम दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने यूसुफ की मदद की कि वो सही फैसला कर सके। इसी तरह आए बाप, मैं तमाम बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। कभी कभी फैसला करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, सो मैं दुआ करती हूँ अपने पाक रूह के वसीला से बच्चों की मदद कर, ताकि वो सही और दुरुस्त फैसला कर सके और हमेशा वही करें जो तुझे पसंद है, ताकि तेरे बेटे यीशु को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज की आयत मत्ती की अंजील पहला बाब 23 आयत। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। एक दफ़ा फिर बोलेंगे, मत्ती की अंजील पहला बाब 23 आयत। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का आर्टवर्क, मेरी गोल सीजेस स्केलो पेंसिल सुलह का पैगाम लाया, मुआफी का झंडा लहराया, अंधेरा जग का मिटाया, पहे तारा जग मगाया, पहे तारा जग मगाया। आया, आया, देखो क्रिसमस फिर से आया, आया हमारा अजीम शहज़ादा। रास्ता दिखाया, मजूसी पीछे पीछे आया, डंडरियों को मुझता सुनाया, पाहे गीत फरिश्तों ने गाया, पाहे गीत फरिश्तों ने गाया। आया, आया, देखो क्रिसमस फिर से आया, आया हमारा अजीम शाह।
दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल। चलिए।